तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम बतलाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या है ना? नंबर सिस्टम, ठीक है? अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में टाइप्स ऑफ नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है? तो हम लोग बेसिक्स कुछ टाइप्स ऑफ नंबर देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ चुका है, और मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाऊंगा कि नया आप लोगों को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में आने वाले जो नंबर्स होते हैं, वो पहला जो नंबर होता है वो आपका होता है नेचुरल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, है ना? और आप लोग को पता ही है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर में आते हैं। यानी अगर नेचुरल नंबर का डेफिनेशन अगर बोला जाए तो ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर, ठीक है? सेकेंड वन जो है वो है आपका होल नंबर। होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है? और ये कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो इंक्लूड कर दें तो वो आपका हो जाता है होल नंबर, ठीक है? होल नंबर के बाद थर्ड वन जो आप लोगों को पढ़ना है वो है इंटीजर्स, को हम लोग आई से नोट करते हैं, ठीक है? 0, -1, -2, -3, सो ऑन, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है? मतलब कि 1 के बाद, 0 के बाद इधर आपका सारा पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होता है, और 0 के दिस साइड में आपका नेगेटिव इंटीजर काउंट होता है, और 0 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या जीरो इंटीजर भी इसको बोला जाता है, जीरो इंटीजर, ठीक है? तो ये इंटीजर्स हो गए। वैसे तो टाइप्स ऑफ नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और आपका को प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो और अगर नंबर सिस्टम के बारे में अगर आप लोगों को बेसिक और भी बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, या आप लोग चाहते हैं कि क्लास 9 से थोड़ा हट करके या थोड़ा डीप में अगर हम लोग का स्टडी करें, तो आप लोग क्लास 10th का मेरा वीडियो लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिकली पूरा नंबर सिस्टम को अच्छे से डील किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो डीप तक हम लोग चले जाएँ, तो आप मेरा मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्लास 10th का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। तो इससे आपका नंबर सिस्टम का और भी जो नंबर्स छूट जा रहे हैं, है ना, यानी कि क्लास 9th के अलावा जो छूट जा रहे हैं वो आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है? और अभी मैं नंबर्स में इतना ही रहने देता हूँ। तो बेसिकली मैं आज आप लोग को ये बतलाता हूँ, ये तो आपके हो गए मेनली वो नंबर्स जो आपके एनसीईआरटी के बुक्स में दिए हुए हैं और क्लास 9th में जिससे आपको जनरली पढ़ना है ना? लेकिन ये तो आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है और इसके बारे में आप लोगों को मालूम भी होगा। तो आप लोगों को जो नया पढ़ना है इस बुक में, इस चैप्टर में, वो क्या है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है? इस चैप्टर में जो नया आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, वो है आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है? इसके अलावा जो आप लोग को पढ़ना है कि रैशनल और इरेशनल को जब हम लोग टुगेदर कंबाइन कर देते हैं तो एक नया नंबर तैयार होता है जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं, रियल नंबर, ठीक है? तो इस चैप्टर में जो मेनली हम लोग को पढ़ना है वो है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है? रियल नंबर क्या होता है, ठीक है? रैशनल नंबर को नंबर लाइन सिस्टम पे हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है, इरेशनल नंबर को हम लोग को नंबर लाइन सिस्टम पे कैसे ड्रॉ करना है, दो रैशनल नंबर के बीच में यदि हम लोग को 3, 4, 5 रैशनल नंबर निकालना हो तो उसका तरीका क्या होगा, इरेशनल नंबर के बीच में अगर
दो तीन चार पाँच रैशनल नंबर निकालने हो तो उसका तरीका क्या होगा, है ना। तो अभी मैं एक एक करके सबसे पहले आप लोग के बीच डिस्कस करूँगा कि ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच रैशनल नंबर डिस्कस करने जा रहा हूँ, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर आपने पढ़ा है या आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है, मैं 2 मिनट में वो सारा आपका एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे आपका पहला जो था वो नेचुरल नंबर, सेकेंड वन जो था वो आपका था होल नंबर, थर्ड वन जो था आपका इवेन नंबर, फोर्थ प्राइम नंबर, ठीक है, और सिक्स जो था आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इतने सारे नंबर आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता था? काउंटिंग नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर में अगर हम लोग 0 को इंक्लूड कर देते थे तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इवन नंबर की अगर बात करें तो जो 2 से डिविजिबल होते हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन, है ना। प्राइम नंबर की अगर बात करें तो जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 2, 3, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 से अधिक फैक्टर होता है, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, है ना। तो ये सारे नंबर्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग को पढ़ाया जा चुका है और जिसके बारे में आप लोग को पता भी है। तो ये एक जो नया आ गया आप लोग के बीच रैशनल नंबर, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग को क्लास 6, 7, 8 में बताया भी गया होगा कि रैशनल नंबर्स होते क्या है, है ना। तो रैशनल नंबर क्या होता है उसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो है वो आपका ऐसा नंबर है, अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर, है ना। यानी दुनिया में कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, जिसको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि ये पी बाय क्यू कौन कौन सा नंबर हो सकता है? तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। ये जो 6 टाइप्स के नंबर मैं आप लोगों को बतलाया, इनमें से कोई भी नंबर को अगर आप पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा, सिवाय क्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 1/0 जो है, 1/0 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 0 है और ये जब भी हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड लगाते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है, इसकी वजह से 1/0 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉपरली रैशनल नंबर को समझ गए, मतलब अगर आप लोग मोटा मोटी तौर पे देखो तो दुनिया का कोई भी इंटीजर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब सारे जो हैं वो इंटीजर्स के पार्ट हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम लोग। ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0, इधर पे माइनस इन्फिनाइट और इधर पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनाइट। तो 0 के बाद इधर हम लोग पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, है ना। और 0 के दिस साइड में हम लोग लिखेंगे -1, -2,
-3 -4 -5, ठीक है। तो 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और -1 से माइनस इन्फिनाइट तक आपके जो है वो नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। जीरो क्या है? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या फिर आप इसको जीरो इंटीजर के नाम से जान सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारे हैं। अब आप देखोगे कि जीरो से लेकर के पॉजिटिव इंटीजर के जितने नंबर थे उन्हीं में से उन्हीं का क्लासिफिकेशन करके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बना दिया गया। यही कारण था कि मैं बोला कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इनमें से नहीं था, इसलिए मैं वो स्टेटमेंट आप लोग को बतलाया कि नेगेटिव इंटीजर को भी यदि अगर पी बाई क्यू में क्यू के फॉर्म में अगर लिख दिया जाए तो वो भी रैशनल नंबर है। मतलब अगर आप -2/7 लिख देते हो, ठीक है, तो वो भी आपका क्या है? रैशनल नंबर है, है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रैशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव नेचर में होगा, उसका नेचर नेगेटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, तो कोई भी नंबर, एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द written in the form of p by q is known as irrational numbers। ठीक है, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। अब सवाल ये उठता है कि रैशनल नंबर के लिए कंडीशन था कि q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, तो सवाल ये उठता है क्या इरेशनल में q का वैल्यू जीरो हो सकता है? तो जवाब है नहीं, q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है इरेशनल नंबर के केस में भी, क्योंकि यदि क्यू की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो वो नंबर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर के भी कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा इरेशनल नंबर। तो मैं भी प्रॉपरली आप लोगों को क्या क्या बतलाया, मैं आप लोगों को बतलाया कि नंबर सिस्टम्स में नंबर्स के टाइप्स को प्रॉपरली जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ की क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होता है, वो क्या होता है? आपका रैशनल होता है। और जो नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर का अगर आप एग्जांपल ले लो तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका पाई, रूट टू, रूट फाइव एंड सो ऑन। ठीक है, और भी बहुत सारे, मतलब जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रॉपरली नहीं लिखा जा सकता है। रैशनल और इरेशनल को समझने के लिए अभी मैं आप लोगों को जो बतलाने जा रहा हूँ, अगर वो आप ध्यान से समझ गए तो आज के बाद कभी भी रैशनल और इरेशनल में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो आप सिर्फ रटा रटाया डेफिनेशन याद करते रहो कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो है रैशनल, जिसको नहीं लिख सकते हैं वो है इरेशनल। लेकिन ये जो बातें हैं ये किताबी बातें हैं, ठीक है, किताब में ये बतला दिया जाता है। हालांकि अभी भी मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ वो भी बात किताब की ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जिनके जिसकी वजह से जो है उनका रैशनल इरेशनल क्लियर नहीं हो पाता है। और जो क्लास नाइन्थ के बेसिस पे, ठीक है, जो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को समझना, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ
तो वो आपको बहुत ही परेशान करेगा, पूरे चैप्टर में परेशान करेगा, और आपका जो है प्रॉब्लम क्रिएट होते जाएगा दिन ब दिन। क्योंकि डेसिमल नंबर को बहुत सारे बच्चे हल्के में ले लेते हैं, मेरे अनुसार उसको हल्का में लेना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं जो चीज़ें बताऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल इरेशनल आप कैसे करें, ठीक है, वो अगर आप समझ गए अच्छे से प्रॉपरली तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है टर्मिनेटिंग, और दूसरा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और मैं तीसरा जो बतलाऊंगा आप लोगों को, थर्ड जो बतलाऊंगा नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, कहीं कहीं रिपीटिंग को रिकरिंग भी लिखा जाता है, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग। तो सिंपली अगर हम लोग लिखे 2/10, ठीक है, तो 10 को अगर 2 से डिवाइड लगाया जाए तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को मिलेगा 0.2, है ना। या फिर अगर लिखा 2/5, यानी कि 5 से अगर हम लोग 2 को डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4, है ना, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया, है ना। या फिर अगर आप 5 को 2 से डिवाइड लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, 2.5, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है और कंप्लीटली डिवाइड लग जा रहा है, कहने का मतलब है जिसकी जिसमें आर की वैल्यू जो है वो क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। मतलब कहने का मतलब वो पूरा टर्मिनेट कर जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, कोई भी रिमाइंडर उसमें नहीं बच रहा है, ठीक है। उसको वैसे नंबर जो जिसके रिमाइंडर 0 हो जाते हैं, ठीक है, जो पूरा कट जाता है, जिसको फर्दर जो है डिवाइड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी वो टर्मिनेट हो गया माने ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरा जो नंबर है, नंबर आपका है वो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, जैसे 1.12 1.2 1.2 1.2 एंड सो ऑन, यानी कि वो बार 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 नंबर जो है वो रिपीट कर जा रहा है। उसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका 22/7, ठीक है। 22/7 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कैसे है हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर 7 से 22 को डिवाइड लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, 1.0, 7 1 जा 7, 3 पॉइंट के बदले में 0, उसके बाद फिर से 7 4 जा 28, 2 पॉइंट के बदले में 0, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1, ठीक है, और फिर पॉइंट के बदले में 0। अब फर्दर आप अगर इसको डिवाइड लगाओगे तो ये जो नंबर था 1 से लेकर के 7 तक, अभी तो यहाँ 10 आया था, फिर से यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, है ना। अगर आप डिवाइड लगाओगे तो फिर क्या आ जाएगा, 1 4 2 8 5 7। मतलब वो क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा है और नंबर जो है वो क्या हो जा रहे हैं, रिपीट हो जा रहे हैं। तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट कर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग,
ठीक है। और उसका बेस्ट एग्जांपल आपका 22/7 है, ऐसा नंबर भी आ जाए तो भी उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे 1.41, 41, 41, सो ऑन, अगर वो बढ़ता चला जाए तो भी आपका वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कहलाता है। ठीक है, थर्ड वन जो है वो क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट करेगा और ना ही वो रिपीट करेगा। इसका कहने का मतलब है क्या कि 1.25, 6, 7, 8, 9, 1, 6, 7, 8, अब ये सो ऑन चलते चलेगा, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे वो रिपीट नहीं करेगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ेगा, नॉन रिपीटिंग पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर आपने तो ये बतला दिया कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, लेकिन हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा जो है वो रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, है ना। तो कोई भी नंबर यदि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तो वो ऑब्वियसली आपका जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट कर जाता है तब भी वो क्या है आपका, रैशनल नंबर है। यही कारण है कि बुक में लिखा रहता है पाई जो है वो इरेशनल होता है और 22/7 जो है वो रैशनल होता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि तो फिर हम लोग पाई के जगह 22/7 का यूज़ क्यों करते हैं। तो इसलिए करते हैं क्योंकि आर्कमिडीज ने ये बतलाया था कि पाई की वैल्यू 22/7 लगभग लगभग सही होती है, मतलब अप्रॉक्स सही होता है, बिल्कुल इक्वल नहीं होता है, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल नहीं होती है। अप्रॉक्स में हम लोग उसका वैल्यू को 3.14 या 22/7 यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो पाई इरेशनल में आ जाता है और 22/ जो है वो रैशनल में आ जाता है। रैशनल में इसलिए क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, यहाँ 7 के बाद ये रिपीट कर जा रहा है, इसलिए जो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में रखें और वो क्या कहलाया आपका, रैशनल नंबर कहलाया। मतलब कोई भी नंबर जो टर्मिनेट कर रहा है और नॉन टर्मिनेट रिपीट कर रहा है वो आपका रैशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ